गुड मॉर्निंग। टुडे वी डिस्कस अबाउट द सी3 पाथवे। आज हम कैल्विन साइकिल या सी3 पाथवे के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लाइट रिएक्शन के बाद जो डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन को एक्सप्लेन करने का सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है? कैल्विन को। कैल्विन ने ही सबसे पहले डार्क रिएक्शन को फुल्ली इन ए साइक्लिक पाथवे एक्सप्लेन किया था। ये हम कह सकते हैं कि कैल्विन ने ही फोटोसिंथेसिस को कंक्लूड किया था। डार्क रिएक्शन को बता करके उन्होंने कंक्लूड कर दिया कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट प्रोसेस ऑपरेट होती है। सी3 पाथवे इसको बायो सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इसे इन रिफरेंस टू फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। तो जो डार्क रिएक्शन का इवेंट होता है उसमें को हम फोटोसिंथेटिक फेज या कैल्विन साइकिल या सी3 पाथवे के नाम से भी जानते हैं। हम जानते हैं कि लाइट रिएक्शन में आपके फोटोसिंथेसिस के जो मेन कंपोनेंट होते हैं क्लोरोफिल, H2O एंड लाइट, इन तीनों का यूज होता है और इससे हमें जो बनता है वो आपका है ATP, NADPH एंड वाटर की कंपोनेंट। इनमें से जो ATP और NADPH प्लस वाटर जो होता है वो यूटिलाइज होता है फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो ये आपका बचा हुआ कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस का। इस तरह से डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का ATP और NADPH की हेल्प से क्या होता है? फिक्सेशन होता है और फाइनली ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फूड का फॉर्मेशन होता है। इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं, जबकि सही मीनिंग ये निकलती नहीं है। दीज इवेंट आर अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, बट द डायरेक्ट यूज ऑफ लाइट एनर्जी आर नॉट टेक प्लेस इन दिस फेज, सो इट इज कॉल्ड द डार्क रिएक्शन। इसमें लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट का, जिसे एसिमिलेटरी प्रोडक्ट कहते हैं, उसका यूटिलाइजेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है। अब सबसे पहले कैसे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, इसको बताने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? कैल्विन। कैल्विन नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले बताया कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। इन्होंने पूरी की पूरी बायोसिंथेटिक पाथवे को प्रपोज किया और उन्होंने ये भी बताया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है तो पहला जो कंपोनेंट या जो फर्स्ट मॉलिक्यूल्स बनता है वो कैसा होता है। उन्होंने बताया कि जो फर्स्ट मॉलिक्यूल बनता है वो आपका होता है 3-carbon acid। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब इन्होंने ये बताया कि 3-carbon acid बनता है तो अल्टीमेटली कार्बन को एक्सेप्ट करने वाले कुछ कंपोनेंट सेल में पाए जाते होंगे, जिसे हम कार्बन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एट द टाइम ऑफ कैल्विन, कैल्विन के समय तक यही माना जाता था, यही कंक्लूजन भी निकल रहा था कि जब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है और फाइनली आपका 3-carbonic acid का फॉर्मेशन होता है तो मॉलिक्यूल जो होंगे, जो इनको एक्सेप्ट करने होंगे, जिसे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, वो 2-carbon होते होंगे, 2-carbon, और फाइनली 3-carbon acid का फॉर्मेशन होता होगा। ये बहुत लंबे समय तक इसके बारे में खोजा गया, इसी के बारे में जाना जाता था। और इसी के बेस पर जब ये माना गया कि पहला जो फिक्स प्रोडक्ट होता है 3-carbon होता है,
तब इसी के बेस पर ये कहा गया कि ऐसे सभी प्लांट जिनमें फर्स्ट फिक्स प्रोडक्ट 3 कार्बन बनता है उनको हम C3 प्लांट कहते हैं, और इसमें ये जो साइकिल चलती है या जिसे हम कैल्विन साइकिल कहते हैं इसको C3 साइकिल के नाम से जाना जाता है। फिर बाद में खोज हुई, इन्वेंशन इसमें होता गया, खोज गई क्या सभी में बनने वाला फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स प्रोडक्ट 3 कार्बन होता है। तो एक नया इन्वेंशन हो गया कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें फर्स्ट फिक्स प्रोडक्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, 4 कार्बन एसिड होता है, और ऐसे प्लांट को C4 कार्बन के नाम से जाना गया। जब C4 प्लांट की खोज हो गई तब तक ये भी खोज हो गई कि ये जो 2C नहीं होता बल्कि इसकी जगह पर एक स्पेशल टाइप के कार्बन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, और ये जो स्पेशल होता है दिस इज द यूनिक, द एंजाइम इज आल्सो यूनिक, और इसको RUBP राइबोलोज बाईफॉस्फेट, इसमें 5 कार्बन 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन सुगर होती है और इसके फर्स्ट कार्बन पर एक फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है और एक 5 कार्बन पर फास्फेट ग्रुप होता है, इसलिए इसका जो नाम होता है जो सबसे स्टेबल नाम मुझे मिलता है 1-5 राइबोलोज वन फाइव राइबोलोज बाई फॉस्फेट, एंड दिस इज द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इन रेफरेंस टू C3 प्लांट, एंड फाइनली 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 5 कार्बन 1 कार्बन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइनली फॉर्म द 2 मोल ऑफ 3 कार्बन एसिड, एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द कैल्विन। और कैल्विन ने कहा कि ये जो साइकिल होती है इस तरह से ऑपरेट होती है और फाइनली आपका जो होता है फूड का या आप कह सकते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। कैल्विन साइकिल इज द कॉमन इन ऑल द थिंग, ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, वेदर दे आर द C3 C4 आर C2, चाहे C3 कैम प्लांट हो, चाहे C3 प्लांट हो, चाहे C4 प्लांट हो, सब में क्या होती है, कैल्विन साइकिल क्या होती है, कॉमन होती है, क्योंकि कैल्विन साइकिल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल, अब इसकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है, ये RU जो BP है राइबुलोज 1-5 बाई फॉस्फेट, राइबुलोज 1-5 बाई फॉस्फेट, ये जो होता है ये जहां पर पाया जाएगा वहीं पर आपका क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की कार्बन साइकिल जो होगी वो ऑपरेट होगी। अब जब आप C4 में पढ़ेंगे तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो चेंज हो जाएगी, वो आगे आप पढ़ोगे तो वहां क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कार्बन साइकिल और हाउ कैन कार्बन डाइऑक्साइड आर फिक्स। तो 3 चीजों को मैंने बता दिया, पहला हो गया कि ज्यादातर जो प्लांट होते हैं उनमें C3 साइकिल चलती है, दिस इज द मेन साइकिल इन विच कार्बन डाइऑक्साइड आर फिक्स, एंड फाइनली द फूड स्टफ आर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म, और वी कैन से दैट इट कैन बी कंक्लूड द फोटोसिंथेसिस, ये सभी प्लांट में होती है, दिस इज द मेन स्टेप ऑफ द डार्क रिएक्शन, ये डार्क रिएक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है जिसमें लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को बना करके फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट किया जाता है। अब इसमें पहला जो फिक्स प्रोडक्ट होता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जो फिक्स प्रोडक्ट होता है वो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, 3 PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनती है। कैल्विन ने पूरी की पूरी साइकिल को 3 स्टेप में एक्सप्लेन किया,
पहला जो स्टेप होता है उसको कार्बोक्सीलेशन कहते हैं। फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड कार्बोक्सीलेशन। आप जानते भी हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कोई भी प्रोसेस में ऐड करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सीलेशन होता है। रिलीज करते हैं तो डी कार्बोक्सीलेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोलेशन की स्टेप में क्या होता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे अगर हम 3 मोल लेके चले तो ये जो साइकिल होगी वो बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। बच्चे एनसीईआरटी में सिंगल मोल पर है तो हम सिंगल मोल पे कर चलते हैं, फिर फाइनल जो है आपको बता देंगे। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर दैट टेकन फ्रॉम द एटमोसफियर एंड वाटर दैट इज प्रेजेंट इन द ग्रेनम, यू नो द इन द स्टोमा, स्टोमा के अंदर होता है आप जानते हैं। तो स्टोमा में ये राइबोलोज, ये जो एक 5 पेंटोज शुगर होता है, इसमें 2 फास्फेट ग्रुप्स होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके जोड़ करके एक दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता, फिक्स कर देता है। तो पहला जो होता है स्टेप उसको कार्बोक्सीलेशन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को राइबोलोज बाईफॉस्फेट ले करके, अब इस प्रोसेस को ऑपरेट करने के लिए आप जानते हैं जितनी भी केमिकल प्रोसेस होती है वो एंजाइम की हेल्प से क्या की जाती है, ऑपरेट की जाती है। दे कैन बी बूस्ट, बहुत स्पीड अप कर देते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं ये प्रोसेस को बहुत तेज कर देते हैं। अगर एंजाइम नहीं होगा तो अगर प्रोसेस हो रही बहुत स्लो डाउन होगी, लेकिन एंजाइम क्या होता है बहुत एक्सीलरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रोसेस में जो यूज होने वाला एंजाइम होता है राइबोलोस 1,5-बाईफॉस्फेट, राइबोलोज 1,5-बाईफॉस्फेट जो होता है RUBP, ये कार्बोक्सीनेस ऑक्सीजनेस एंजाइम राइबोलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सीलेज ऑक्सीजनेस एंजाइम जो होता है वो राइबोलोज 1,5-बाईफॉस्फेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके 2 मोल 3-फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। यानी आप कह सकते हैं कि इसमें राइबोलोज बाईफॉस्फेट जो है इसका यूज होता है एज एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर का, रूबिस्को की हेल्प से ये कार्बोक्सीलेशन की प्रोसेस में 2-मोल 3-कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। दिस स्टेप इज कॉल्ड कार्बोक्सीलेशन। उसके बाद दूसरी स्टेप आती है रिडक्शन। कार्बोक्सीलेशन के बाद की जो स्टेप होती है फ्यू स्टेप प्रोसेस होती है। इन ब्रीफ वी कैन स्टडी ओनली 2 स्टेप। इसके तुरंत बाद जो फॉस्फोग्लिसरेट होता है उसमें फॉस्फोग्लिसरेशन की प्रोसेस होती है और ATP जो होता है वो ADP में कन्वर्ट हो जाता है। अल्टीमेटली ये फॉस्फेट इनको मिलेगा। उसके बाद फिर अगले स्टेप में रिडक्शन होता है और NADPH जो होता है NADP और 1 मोल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है इसमें से रिमूव हो जाता है। यहाँ से शुरू होती है, ये इन प्रोडक्ट है। और फाइनली ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट 1-2 मोल ऑफ ट्राइओज फॉस्फेट आर फॉर्म। 2 मोल जो होते हैं PGL या ट्राइओज फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। अब ये साइकिल अगर 3 बार चलती है क्योंकि इसके बाद यहां से फिर 1 मोल जो होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है जो इसके ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी एक बार जब ये प्रोसेस ऑपरेट होगी तक यहां तक आते आते 2 मोल ऑफ 3 कार्बनिक मॉलिक्यूल्स आर फॉर। अब इसमें से फिर आपका क्या होता है
इस ट्राइओस का जो 2 मोल होता है उसका क्या होता है, रीजनरेशन होता है। और जब रीजनरेशन होता है तो इसमें से एक कार्बन मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर दिया जाता है, यानी अगर ये 3 बार साइकिल चलती है तो 1 मोल ट्राइओस 3 बार जब साइकिल चलेगी तो अल्टीमेटली यहां पर कितने बनेंगे, 6 मोल ऑफ 3 कार्बनिक एसिड। अब इस 6 मोल ऑफ 3 कार्बनिक एसिड में से क्या किया जाता है, 1 मोल ट्राइओस को इस प्रोसेस से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस को अगर कंटिन्यू कराना है तो एक बार फिर राइबुलोस को 1,5-बाई-फॉस्फेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब तक इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक आपका क्या होगा, इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप नहीं जुड़ेगा, तब तक ये क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन नहीं कर पाएगा। इस तरह से जब 3 बार ये साइकिल चलती है तब जाकर के 1 मोल जो होता है ट्राइओस फॉस्फेट इस प्रोसेस से बाहर निकल आता है, एंड इट इज आल्सो एन फ्यू स्टेप प्रोसेस, और जिसमें ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। 3 बार होंगे तो हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बनता है, जैसे आप अभी आएगा इसके आगे आप तो रिस्पायरेशन में पढ़ेंगे, क्रेब साइकिल में सॉरी ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोस ब्रेक होकर के 2 मोल पाइरुवेट में चेंज होता है। अगर 2 पाइरुवेट को मिला करके हम चाहें तो ग्लूकोस बना सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या करेंगे, जब उल्टी कर देंगे रिवर्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में ग्लाइकोलिसिस की सर्टेन इवेंट होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, अब ये साइकिल जब 6 राउंड होगी तो 2 मोल आपके ट्राइओज जो होंगे रिलीज होंगे, एंड फाइनली दे कैन बी कन्वर्टेड टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। लास्ट स्टेप आती है रीजनरेशन। अब ये जो 5 ट्राइओस मॉलिक्यूल्स हैं इनको कन्वर्ट करना होता है किसमें, 5 राइबोज मॉलिक्यूल्स में, और इसके लिए क्या होता है, इसमें एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करना पड़ता है। एक बार फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, फास्फो रिलेशन की जो फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस को क्या किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा, और फाइनली इसमें से एटीपी से फास्फेट ग्रुप को, यहाँ पर ऑलरेडी एक फास्फेट ग्रुप है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3 फास्फेट, एक ट्राइओस फास्फेट, यानी अगर 3 कार्बन है ये कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, तो इसमें आपका क्या है 3 कार्बन में आपका एक फास्फेट ग्रुप है अल्टीमेटली। अब इसमें से आपका क्या होता है, एक और फास्फेट ग्रुप को इसमें जोड़ करके इसको RuBP में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो लास्ट स्टेप जो होती है वो आपकी रीजनरेशन कहलाती है, जिसमें ट्राइओस फास्फेट को रीजनरेट करके RuBP में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जो हमारा कंक्लूजन होता है, ये साइकिल जो होती है जब 6 टाइम चलती है, अगर 1 बार चलेगी तो फाइनली आपका क्या होगा, सिर्फ 2 मोल ट्राइओज बनेगा। अब जब 2 मोल ट्राइओज बनेगा तो उसमें से क्या होगा, 2 मोल का मतलब 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बनेंगे, बट दे आर फाउंड इन 2 मोल। अब इसमें से एक कार्बन, 1 कार्बन CH2O, ये क्या होता है, रुक जाता है, हटा दिया जाता है। अब बचेगा जो 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स, इसी को एक बार फिर प्रोसेस में आगे ले ले जाया जाता है, और ये रीजनरेशन की स्टेप कहलाती है। इसमें ऑलरेडी फास्फेट ग्रुप होता है, एक और फास्फेट ग्रुप को जोड़ करके इसको फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है RuBP में। तो एक बार में चलेंगे तो एक मॉलिक्यूल्स, और जब ये 3 बार साइकिल चलती है तब ये जो ट्राइओज मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका नंबर कितना हो जाता है, 6 मोल, 6 मोल ऑफ 3 कार्बन। अब जब ये 3 बार होते हैं तो इसमें से 1 मोल हम निकाल लेते हैं 3 कार्बन, तो 5 मोल ऑफ कितना बचेगा, 3 कार्बन। एंड अल्टीमेटली अब ये जो 5 मोल 3 कार्बन्स होते हैं इनको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, 3 मोल ऑफ 5 कार्बन और द RuBP
बीपी। और ये जो प्रोसेस होती है इसी को हम क्या कहते हैं, री जनरेशन। और इस तरह से ये प्रोसेस जब 3 बार होती है तो सिर्फ 1 मोल 3 कार्बन जो होता है ये बाहर होता है, 1 मोल आप पी, और इस तरह से हाफ मॉलिक्यूल सब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और जब ये प्रोसेस 6 टाइम ऑपरेट होती है तो 2 मोल 3 PGA का फॉर्मेशन होगा, दैट कैन बी कन्वर्टेड टू द ग्लूकोज एंड फाइनली द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कैरीड ऑन। सो इन लास्ट वी कैन से दैट फॉर द कंप्लीट फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और आप जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आपकी कितनी होती है टोटल, अगर आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो फोटोसिंथेसिस में 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। तो अल्टीमेटली इससे पता चलता है कि आपके कैल्विन साइकिल इज ऑपरेटेड इन 6 टाइम। इट इज क्लियर, हो गया। थैंक यू।